हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो फ़ोन है तो वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम है तो लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं। तो आपको स्वाइप करना है, स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन आएंगे। फिर आपको इसमें सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही जो फ़ोन की सेटिंग्स है आपके फ़ोन में शो हो जाएगी, जहाँ से आप कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइकन शो हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर सर्च करना है जीबोर्ड। तो सर्च करते जीबोर्ड सेटिंग्स हमने सर्च कर लिया, जो कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व कर सकते हैं कीबोर्ड डाटा क्लियर करके। और क्लियर करते ही जो कि कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी आपके वीवो फ़ोन में। तो इस तरीके से कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग्स पे जाकर। और साथ में इस अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिलता है तो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर भी कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आइकन शो हो रहे हैं तो आपको स्वाइप करना है, सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स अपनी आएगी। तो कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से ऐप सेटिंग्स पे जाना है। शी ऑल ऐप्स को ओपन करेंगे, ओपन कर लिया है तो इसमें आपके पास ऑप्शन आएगा जीबोर्ड ऐप्स का। तो आपको इस पर क्लिक करना है, जो भी आपकी कीबोर्ड की प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ से कीबोर्ड डाटा को सॉल्व कर डिलीट कर देना है। और डिलीट करके कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम आपके फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से कीबोर्ड की लैगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं वीवो फ़ोन में। तो आपको वीडियो चाहिए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।